तुम्हारा हौसला भी आजमा कर देख लेती हूँ, तुम्हारा हौसला भी आजमा कर देख लेती हूँ, तुम्हारा हौसला भी आजमा कर देख लेती हूँ। मित्रों नमस्कार। जीवन का अर्थ समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि हर एक का जीवन अलग होता है, जीने का तरीका अलग होता है और जिंदगी की धारणाएं या फिर जिंदगी के उसूल भी अलग अलग होते हैं। और इस अलगता के कारण हर व्यक्ति का अपना जीवन अन्य लोगों से अलग होता है, परिजनों से भी अलग होता है, एक ही तो परिवार में रह करके। लेकिन जीवन का अंत और जीवन का आरंभ, मैं इसलिए अंत से आरंभ की ओर जा रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें हमें जिंदगी के बारे में पता नहीं होती उसकी खोज हम करते रहते हैं। जो हमारे सामने होता है उसके लिए हम पर्याप्त मात्रा में अपना समय नहीं देते। सपना जो होता है, जो आने वाला है या जो हमें पता नहीं है, उसके बारे में हम ज़्यादातर सोचते रहते हैं। और हमारा जो भूत होता है यानी गुजरा हुआ जमाना जो होता है, वो हमें इस जीवन के गति को अगतिक बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है। क्योंकि हमारे जीवन में, बीते हुए जीवन में जो जो चीज़ें आकर के हमारे जीवन को संजोती है, उन सभी चीज़ों को, उन घटनाओं को, उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को हम बार बार याद करते हैं और उसके उपरांत हम हमारे आगे आने वाले पलों के लिए, जीने के लिए सज्ज होते हैं, प्रेरित होते हैं। ये जो सब मैं जीवन के बारे में कह रहा हूँ, यह जीवन की परिक्रमा को, जीवन के समूचे वास्तव को अपने गजल में पिरो करके अपने आपके सामने ला रही है निभा चौधरी। निभा चौधरी आगरा से है और बहुत ही सुंदर प्रेम तथा विरह के बारे में, या प्रेम के मोह माया जाल में जब व्यक्ति कई सारी परीक्षाएं देता है, उसके बारे में निभा जी यहाँ पर अपनी बहुत सुरीली आवाज़ में वो सब जीवन का तात्पर्य, जीवन का तत्वज्ञान, दर्शन आपके सामने रख रही है। तो चलो सुनते हैं निभा चौधरी जी की गजल। हेलो दोस्तों, मैं आगरा से निभा चौधरी आप सभी को प्रणाम करती हूँ और एक गजल आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ, सुने। तुम्हारा हौसला भी आजमा कर देख लेती हूँ, तुम्हारा हौसला भी आजमा कर देख लेती हूँ, तुम्हारा हौसला भी आजमा कर देख लेती हूँ, तुम्हारे पास से कुछ दूर जा कर देख लेती हूँ, तुम्हारे पास से कुछ दूर जाकर देख लेती हूँ। और सिर सुने। हवा का दम निकलता है जहाँ पर सांस लेने में, हवा का दम निकलता है जहाँ पर सांस लेने में, हवा का दम निकलता है जहाँ पर सांस लेने में, दिया दिल का मैं उस घर में जला कर देख लेती हूँ, दिया दिल का मैं उस घर में जला कर देख लेती हूँ, तुम्हारा हौसला भी आजमा कर देख लेती हूँ। ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है, सुने।
बड़ी मासूमियत से जो मेरे दिल को दुखाता है, बड़ी मासूमियत से जो मेरे दिल को चुराता है, बड़ी मासूमियत से जो मेरे दिल को दुखाता है, मैं उसको सादगी से मुस्कुरा के देख लेती हूँ, मैं उसको सादगी से मुस्कुरा कर देख लेती हूँ, तुम्हारा हौसला भी आजमा कर देख लेती हूँ। और सुने, नए अंदाज से शायद कोई वो चुराता है, बड़ी मासूमियत से जो मेरे दिल को दुखाता है, मैं उसको सादगी से मुस्कुरा के देख लेती हूँ, मैं उसको सादगी से मुस्कुरा कर देख लेती हूँ, तुम्हारा हौसला भी आजमा कर देख लेती हूँ। और सुने, नए अंदाज से शायद कोई सूरज निकल आए, नए अंदाज जिसे शायद कोई सूरज निकल आए, नए अंदाज से शायद कोई सूरज निकल आए, सूरज निकल आए, तेरे ख्वाबों को आँखों में सुला कर देख लेती हूँ, तेरे ख्वाबों को आँखों में सुला कर देख लेती हूँ, तुम्हारा हौसला भी आजमा कर देख लेती हूँ, तुम्हारा हौसला भी आजमा कर देख लेती हूँ, तुम्हारे पास से कुछ दूर जाकर देख लेती हूँ। और आखिरी शेर, मेरी नींदों ने ख्वाबों का बदन कितना भिगोया है, मेरी नींदों ने ख्वाबों का बदन कितना भिगोया है, हाँ कितना भिगोया है, नमी बिस्तर के अक्सर ही सुखा कर देख लेती हूँ, नमी बिस्तर के आखिर ही सुला कर देख लेती हूँ, तुम्हारे पास से कुछ दूर जाकर देख लेती हूँ, हाँ देख लेती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।